रफ्तार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली रफ्तार भाई का गाना आ गया है। आज है 10 तारीख और 5 बज चुके हैं और रफ्तार भाई का गाना प्रीमियर पे लगा हुआ है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ गाने को सुनने के लिए और काफी टाइम से वेट कर रहा था। इतना टाइम हो गया रफ्तार भाई का कोई गाना नहीं आया, लेकिन भाई 6 महीने के अंदर 20 गाने आने वाले। तो वो सोच के अभी से मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। फिलहाल गाना आ गया है, गाने को सुनते हैं। और ये गाना बहुत ही मोटिवेशन वाला होने वाला है, बहुत ही पावरफुल। और गाने के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति होने वाली, क्योंकि रफ्तार भाई ने बोला था कि जिन लोगों को आगे बढ़ना है उन लोगों के लिए गाना है। तो सोच सकते हैं इस गाने के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी वाइब्स होने वाली है। तो फिलहाल गाने को सुनते हैं। और रफ्तार भाई ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी कि ये गाना उन्होंने 2012 में लिखा था, यानी कि आज से 8 साल पहले। और 8 साल पहले के रफ्तार भाई के गाने सुनेंगे तो सारे के सारे खतरनाक सुपर डुपर हिट थे। तो ये गाना भी कह सकते हैं सुपर डुपर हिट होने वाला है। तो फिलहाल गाने को सुनते हैं और देखते हैं गाने के अंदर क्या कुछ खास है। ट्रेलर की बात करूं भाई, ट्रेलर भी बहुत ही बेहतरीन था। इतना कुछ लिरिक्स नहीं पता था चला उसके अंदर, क्योंकि कुछ था नहीं। लेकिन भाई जो सीन दिखा रखे थे, मतलब सामने से गंदे गंदे चेहरे आ रहे होते हैं, नेगेटिविटी आती है, लेकिन रफ्तार भाई उसको चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। तो मुझे लग रहा है इस गाने के अंदर भी पॉजिटिविटी होने वाली है। तो गाने को सुनते हैं और फिर बात करते हैं गाने के बारे में। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और गाने को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। आगे चल ये रफ्तार। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। कलमकार कृष्णा गायब है भाई, डांस वगैरह होने वाले हैं कुछ। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़। सन 1988 नवंबर 16 किसी को थी ना खबर जरासी के आया दुनिया में एक कलाकार जो बनेगा स्टार। आपकी सुबानी ये सलसला तूफानी जो लफ्जों में सुनामी जो लड़ गया समाने से बन गया कहानी। सब कुछ जैसा मैंने सोचा, आधी मेहनत आधी रहमत थी खुदा की। पाँव रहते जमीन पर मेरी आँखें आसमां पे की करूँ उसे हासिल। सुना सबको बनाया पर खुद का सीखा नहीं था रुकना, तभी बना मैं काबिल। पागल हुआ जब सुना मैंने रैप किसी दोस्त की वजह से, आज उसे मेरा थैंक यू। बना जरिया कमाया भरा पेट, मैंने लोगों की पसंद में भी हुआ फिर शामिल। कातिल बुलाते मुझे यार मेरे करा नहीं रैप, मैंने कभी बनने के लिए कूल। यार दोस्त आज भी वही जो थे दूसरी में साथ मेरे जब सच दे वाता स्कूल। पूजी परसाची और प्राणा जारा सब पारे, कभी कभी पहनू मैं शर्ट 200 वाली ताकि अपनी औकात और उस शुरुआत को गलती से जाऊं ना मैं भूल। मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। सपने देखे रात दिन जो ऐसी औलाद मिली मेरे माँ बाप को, पेट काटा अपना दिया जो था बस का, पूरा किया मेरे हर छोटे मोटे ख्वाब को। आज तो मैं कुछ कहते हैं कुछ कर गया, कैसे मैं चुकाऊं अब उनके हिसाब को। मिली जन्नत मुझे मरे बिना धरती पे, बेटा नहीं पाला पाला एक सहलाब को। चलो बंद करता हूँ ऐसी बातें, मैंने हवा में फैला दी थोड़ी सीरियसनेस। ऐसे गाने ही करूंगा प्रमोट, खर्चूंगा यही नोट चाहे व्यूज आए लेस। हाँ यस, यहाँ कद ज्यादा बिकता है, झूठ यहाँ हिट है, सच नहीं दिखता है। कौन हिट कितना है कैसा है किसी को समझ नहीं, सबको ही वैसा ही दिखना है जिनका है। कुछ ऐसा ही प्लान करो ध्यान के, मैं सब काम नकली हूँ जड़ से मिटाने वाला। कहते हैं मुझे रैप करो स्लो, ये लो अगली बार धीरे मैं नहीं गाने वाला। करो मन की लो फोटो मेरे तन की, मुझसे ज्यादा सन की नहीं है तेरा स्टार। वो स्काई हाई मैं अंतरिक्ष पार, सियाही दे गवाही कलमकार रफ्तार। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया। अच्छा ट्रेलर वाला सीन आया अब आखिरी में। कलम धर्म में करनी शर्म ना, जख्म जख्म में
लगते मरम ना चतनी लगने दुख ती तपन ना सगनी सगने बढ़ती रकम आ कलमी गरम है करनी शरम ना सखमी सखम है लगते मरम ना चतनी लगने दुख ती तपन ना सगनी सगने बढ़ती रकम आ स्टेज पे आ गए भाई। ओह भाई साहब वीडियोग्राफी देखी, मतलब जितने भी बंदे हैं सबको चीरता वो सीधा एक बार में स्टेज पे आ गया भाई। मैंने अज्यूम नहीं करा, मुझे लगा मारपीट होने वाली है डेविल के साथ, लेकिन भाई गाने की बात करूँ वर्ड प्ले रफ्तार भाई का वर्ड प्ले हर गाने में बहुत खतरनाक होता है। और आखिरी के अंदर जो इन्होंने बोला ना यार वो मुझे बहुत प्यार लगा, करम धर्म करके जो बोला ना वो जो वर्ड प्ले किया ना वो मुझे बहुत प्यार लगा। और गाना यार बाकी गाने की बात करूँ यार गाना बाकी मोटिवेशन वाला गाना है, मतलब रफ्तार भाई ने बता दिया कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और अपना डेट ऑफ बर्थ बताया कि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि भाई एक सितारा पैदा हो गया दुनिया में जो हिप हॉप के अंदर तबाही मचाएगा। और तबाही मचा रहे भाई रफ्तार भाई। और किसी हेटर के बारे में कुछ बोला है रफ्तार भाई ने, किसका कौन है वो आपको भी मालूम है, तो भाई वो बोला कि भाई नकली चीज़ें करता है सभी की चीज़ बनने की ट्राई करते हैं लेकिन भैया तापमान गर्म कर देंगे हम जब हिप हॉप सीन के अंदर आएंगे। रफ्तार भाई के बारे में बात करूँ यार, कलमकार पूरी टीम को लेके चलते हमेशा ही, और इस गाने के अंदर भी सारे सारे कलमकार के आर्टिस्ट थे लेकिन एक बंदा नहीं था, वो है कृष्णा। बताओ कृष्णा कहाँ गया होगा, डिस्ट्रैक्ट बना रहा होगा वो मुंह फाड़ के लिए, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कृष्णा नहीं था, लग रहा है वो वीडियो शूट कर रहा होगा अपने दूसरे डिस्ट्रैक्ट के लिए। बट भाई बाकी गाने की बात करो यार, गाना बहुत खतरनाक था, वीडियो प्रेजेंटेशन भाई बहुत ही प्यारी फुल ऑन। और रफ्तार भाई ने बोला कि भैया मैं ऐसे गाने ही प्रमोट करूंगा, ऐसे गानों पे पैसे लगाऊंगा चाहे व्यूज आए ना आए, क्योंकि ऐसे गानों से ही लोगों को हिम्मत मिलती है। तो रफ्तार भाई ने बोल दिया है कि हम तो भैया प्रमोट करेंगे ऐसे गानों को, और ऐसे गाने आने भी चाहिए। आजकल दूसरे रैपर्स क्या होते हैं, दूसरे क्या हर कोई रैपर्स कभी ना कभी शोशा तो करता है कि मेरे पास ये गाड़ी है मेरे पास वो गाड़ी है और अपना एक हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके के गाने भी आने बहुत ज़रूरी है जो पब्लिक रिलेट कर पाए। और ये गाने ऐसे हैं कि कोई सा भी बंदा इसको सुनेगा ना तो अपने आप से रिलेट कर पाए, क्योंकि हर कोई बंदा जो है नीचे से उठ के ऊपर बढ़ता है। और रफ्तार भाई ने भी वही चीज़ बोली कि यार आज मैं गुची गुची जो भी है सब चीज़ें पहनता हूँ लेकिन भाई 200 वाली टी शर्ट भी पहनता हूँ ताकि मैं अपनी औकात ना बोलूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो वही रफ्तार भाई ने बोला, गाना यही बोलूंगा भाई गाना बहुत ही खतरनाक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना आपको गाना कैसा लगा, और यार बस यही चाहता हूँ कि भाई रफ्तार भाई जल्दी जल्दी गाने निकाले। और मिस्टर नायल एल्बम का सबसे ज़्यादा वेट है, मिस्टर नायल का अभी तक एक भी गाना नहीं आया है, बट यही वेट करो कि गाना कब आएगा। नहीं एक गाना शायद आ चुका है, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी रिसेंट जो गाना आया था वो शायद मिस्टर नायल का ही गाना, बट आइडिया नहीं है, बट वही है मिस्टर नायल एल्बम का वेट है मुझे। 20 गाने के बाद एक आएंगे तो भाई साहब मतलब हिप हॉप सीन के अंदर पूरा 2020 आते आते पूरा राज करने के मूड में है भाई कलमकार की टीम। बट यार यही बोलूंगा गाना मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। बाकी यार मैं एक बात सच बोलूँ ना, गाना वाकई में पॉजिटिव था, अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी, वाइब्स बहुत प्यारी आ रही थी, मतलब यार इस गाने को आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। और रफ्तार भाई ने भी यही बोला, अपने बचपन से लेकर अभी तक का जर्नी बताया कि मैं सब किसी के गाने सुनता था लेकिन सोलो सबके गाने सुनता था लेकिन मैंने अपने खुद के सिंगल गाने लिखे। और उसके बाद ये भी बोला कि यार धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। अब यार ये धन्यवाद माफी मुनीर वालों को बोला है या फिर अपने किसी दोस्त को बोला है, अच्छे से नाम नहीं लिया लेकिन थोड़े लोग कन्फ्यूज होंगे, बट यही है उनको भी धन्यवाद बोला क्योंकि आखिरी में इन्होंने बोला भी इसके बाद कि यार हिप हॉप को मैंने अपना जरिया बनाया, आज देख लो हिप हॉप के अंदर कितने खतरनाक में खतरनाक गाने लेके आ रहे हैं। और 6 महीने के अंदर यानी 4 महीने के अंदर हमें 20 से 25 गाने और सुनने को मिल सकते हैं रफ्तार भाई के, तो वो सुनने के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। और आवाज़ की बात करूँ रफ्तार भाई की, आवाज़ मुझे इस गाने में बहुत ही बेहतरीन लगी है। नॉर्मल आप MTVSRs के हमने स्टेज शो देखते हैं वहाँ पे भी बात करते हैं, इंटरव्यूज में भी बात करते हैं, जब आप वहाँ पे देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बंदा इतना खतरनाक आवाज़ निकाल सकता है, मतलब उस वक्त आपको नॉर्मल लगेगा, आवाज़ बहुत ही प्यारे तरीके से बात करते हैं, डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल आराम से बात करेंगे, लेकिन भाई गाने के अंदर जब निकालते हैं तो ऐसा लगता है भाई शेर दहाड़ रहा है, और वो बिल्कुल ऐसे दहाड़ वाली आवाज़ लग रही थी क्योंकि गाने के अंदर वाइब्रेशन कितनी आ रही थी भाई। गाने के अंदर देखना हैंड फ्री लगा होगा ना तो देखना वाइब्रेशन गले के अंदर से कितनी आ रही है रफ्तार भाई के, तो वही शेर की दहाड़ थी और वो अपनी निकाल दी गाने के अंदर, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको गाना कैसा लगा। बाकी चलते हैं, बाबा लव यू टेक केयर, अगर रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जब तक के लिए बाबा लव यू टेक केयर।